أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्राहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कंपेयर करने की कोशिश की थी विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग और डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की थी कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके साथ साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बेसिक यूजेस, पर्पसेस, ऑब्जेक्टिव्स और डाटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान रिलेशनशिप जो है उसको स्टडी करने की या अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। आज हम एक स्टेप आगे चलेंगे और हम डिस्कस करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि वैल्यू चेन का रिलेशनशिप जो है वो एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट के साथ जो है वो क्या है, या यूँ कहें कि वैल्यू चेन जो है उसका लिंक क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ या एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट के साथ, या हाउ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ वैल्यू चेन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम लोग जो है वैल्यू चेन को पहले समझेंगे कि व्हाट्स द वैल्यू चेन, और फिर उसके बाद जो है उसका रिलेशनशिप देखेंगे, और जब एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा बिटवीन द मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड वैल्यू चेन, तो फिर हम जो है उसको आगे फर्दर स्टडी करेंगे जिसको हमने नाम दिया है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का। तो मूव करते हैं जी वैल्यू चेन की तरफ। वैल्यू चेन क्या है? अगर आप इमेजिन करें कोई भी प्रोसेस है, कोई भी बिजनेस प्रोसेस है, तो उसके अंदर जो है, या किसी किस्म की कोई भी एक कंप्यूटर का प्रोसेस ले लें, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ले लें, किसी भी कोई भी प्रोसेस के लिए आपको इनपुट देनी पड़ती है किसी ना किसी शेप में, और उसकी रिजल्ट जो है वो आउटपुट ली जाती है, उसकी रिजल्टिंग जो रिजल्ट्स होते हैं दैट इज नोन एज आउटपुट। तो हम यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग अज्यूम करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वैल्यू चेन एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स रिलेशनशिप विद द वैल्यू चेन। बड़ा इंपॉर्टेंट और एक जो है गहरा रिलेशनशिप है, और यहीं से हम आगे जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का एक जो है वो रोल डिसाइड करेंगे या डिटरमिन करेंगे इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हम अज्यूम करते हैं जी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या चीज़ आती है इनपुट के तौर पर? रॉ मटेरियल। अब ये जो रॉ मटेरियल होता है इसको जब प्रोसेस किया जाता है तो अल्टीमेट जो रिजल्ट आते हैं उसको हम फिनिश गुड्स या आउटपुट बोलते हैं, और यही फिनिश गुड जो है ये अल्टीमेटली जो है वो आपकी प्रोडक्ट बन जाती है या यही सेल होती है। और एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, या इसको अगर हम अदर वे राउंड ले लें, एक सर्विस कंसर्न लेंगे, तो वहाँ पर जो आपकी एफर्ट्स पुट होती हैं वो एक इनपुट हो जाएंगी, और रिजल्टिंग जो आपकी सर्विस होगी जो कि आप अपने कस्टमर या क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे होंगे, दैट विल बी द अल्टीमेट सर्विस विच इज बेसिकली एक्सपेक्टेड बाय द कस्टमर टू बी रेंडर्ड बाई यू। तो यहाँ पर जो है अगर रॉ मटेरियल वाली एग्जाम्पल लें, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की या सेटअप की एग्जाम्पल लें, तो हमने एक सेटअप बनाया, एक मैंने आपके सामने जो है ये एक इसका प्रोसेस फ्लो बनाने की कोशिश की है। तो इसमें क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ रॉ मटेरियल टू अ फिनिश गुड? देखें, फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं पॉज करूं तो आप इमेजिन करें कि क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं। जी, डिफरेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं। अगर हम इसको एक डिसाइड करें जी कि सबसे पहले हमने एक प्रोडक्ट बेचनी है, मार्केट में लानी है, तो उसके ऊपर रिसर्च वर्क होगा कि हम देखेंगे, मार्केट रिसर्च करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे कि भाई द प्रोडक्ट विच इज बीइंग गोइंग टू बी लॉन्च्ड बाय अस, by our business या by our corporation or company, whether it will be accepted in the market, क्या इसकी need है, या इसको need analysis भी बोल सकते हैं।
कोई भी नाम दे दें आप, तो डिफरेंट किस्म की रिसर्चेज होती हैं। कोई भी काम बगैर प्लानिंग के, बगैर रिसर्च के, या एक स्पेड वर्क के बगैर जो है वो आप उसको जो है वो कभी भी अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो फ्रूटफुल नहीं होंगे। खैर, रिसर्च होगी, अज्यूम करते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, उसके ऊपर हमने वर्किंग की थोड़ी सी कि मार्केट में किस जगह पे किस चीज़ की डिमांड है। इस रिसर्च के बाद हम आगे सोचते हैं जी कि जो चीज़ हमने मैन्युफैक्चर करनी है या मार्केट में लेके आनी है उसका डिज़ाइन क्या होगा, उसकी शक्ल कैसी होगी, कैस किस शेप में वो जो है वो पेश की जाएगी टू अ कस्टमर, तो वो जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी और एक मार्केट जो है वो फेच की जा सकती है बाय आवर प्रोडक्ट और सर्विस। फिर हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, थोड़ा सा हम आप स्पीड अप हो जाएंगे क्योंकि ये वैल्यू चेन जो है ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमने वैल्यू चेन के साथ लिंक करना है मैनेजमेंट अकाउंटेंट को या इस अकाउंटिंग प्रोसेस को। मैन्युफैक्चरिंग हुई, मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम उसको स्टोर कर देते हैं, वेयर हाउसिंग करते हैं और फिर सेल्स कर लेते हैं, मार्केटिंग कर लेते हैं। इसमें से कुछ स्टेप्स आपके जहन में आ सकते हैं कि हमने स्किप कर दिए। बेसिक जो पर्पज है वो एक वैल्यू चेन को समझना है कि व्हाट इज द वैल्यू चेन। वैल्यू चेन बेसिकली ये पूरी जो प्रोसेस है, ये जो चेन है एक मैन्युफैक्चरिंग की, इसको हम एक नाम दे देते हैं और इसको जो नाम देते हैं वो क्या है जी, बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस जब होता है तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है उसका रोल यहाँ पर इस पूरे वैल्यू चेन में या बिजनेस प्रोसेस में क्या है, इसका एक वर्ड में अगर मैं आपको बयान करना चाहूँ कि एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का बिजनेस प्रोसेस के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोल क्या है, तो उसको हम कहेंगे जी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। क्या कहेंगे? कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। हर वक्त एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है उसका रोल ऐसा होना चाहिए कि भाई मैंने बिजनेस के अंदर अपने कंट्रीब्यूशन कैसे करना है कि हाउ द बिजनेस विल कंटिन्यूसली इम्प्रूव इट्स प्रोडक्ट्स, इट्स सर्विसेज, इट्स प्रोसेसेस। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और फिर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, यानी कि हर वक्त इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचना है। अब एक ही चीज के ऊपर मैं इतना एम्फेसिस कर रहा हूं तो अगला सवाल आएगा कि हाउ द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज अटेन्ड, हाउ द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज डन इन अ बिजनेस प्रोसेस, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो कैसे इम्प्रूवमेंट। मैंने लफ्ज इम्प्रूवमेंट की बात नहीं की। इम्प्रूवमेंट क्या है कि आपने एक दफा एक चीज है, एक प्रोडक्ट है, एक सर्विस है, उसको अपडेट कर दिया, अपग्रेड कर दिया, उसकी कॉस्ट कंट्रोलिंग कर ली, या वट एवर जो आपने इम्प्रूवमेंट लानी थी वो ले आए और उसके बाद आप सुकून से बैठ गए। भाई मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम जो है वो सुकून से बैठने वाला नहीं है। उसका काम है कि एक दफा इम्प्रूवमेंट लेके आ गए, उसको देखें, स्टडी करें और कंटिन्यूसली स्टडी करते रहें, अपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक्स को अप्लाई करते रहें और देखें कि भाई व्हाट फर्दर इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड टू फर्दर। अब क्या अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या हुआ यहाँ पर, याद करें ये इम्प्रूवमेंट क्यों की जाती है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्यों करता है बिजनेस के अंदर, बार बार कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। What will be the objective of this continuous improvement process? क्या objective हो सकता है? मैंने last slide में, rather last lecture में आप लोगों से एक चीज share की थी कि management accountant ultimately जो objective लेके आता है business के अंदर या उसका जो ultimate objective होता है that is maximization of the shareholders' worth or wealth. शेयर होल्डर्स वर्थ या वेल्थ जो है उसको मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना और कॉस्ट को कंट्रोल करना। खैर, मूव करते हैं हम जी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस के ऊपर। इस बिजनेस प्रोसेस के अंदर जी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको तीन हिस्सों में तकसीम किया है और ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जो है वो आएगी सबसे पहले लीन प्रोडक्शन। पहला स्टेप क्या है जी, पहला काम क्या करना है, लीन प्रोडक्शन प्रोसेस। व्हाट इज द लीनिंग प्रोडक्शन, लीनिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब लीन आउट करते हैं चीजों को, कॉस्ट कंट्रोल करते हैं। आपने सोचना है कि कैसे कॉस्ट को कंट्रोल करना है। लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के मैंने इस एक ग्रिड में प्रेजेंट करने की कोशिश की है।
आपने लीनिंग करनी है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से और पर्सन पीपल पर्सपेक्टिव से। ये बड़ा क्रिटिकल रोल होता है। आप जो है वो ऐसा नहीं कह सकते जी कि सारे बंदों को फारिग कर दें, नई टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत नहीं है। बड़ा स्मार्टली आपको जो है सोचना पड़ता है। फिर इसके साथ सिस्टम्स इंप्रूवमेंट की बात होती है। ये जब सारी चीजें होती हैं मिलके तो ये क्या हो जाता है, दिस इज नोन एज लीनिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। पीपल्स कैसे मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लीन कर सकते हैं, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, एम्प्लॉयज मोटिवेट होने चाहिए, लोगों को मोटिवेट किया जाए कि भाई दिस इज योर ब्रेड एंड बटर, आप लोगों का ये ओढ़ना बिछोना है, ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। ओनरशिप, ऑनरशिप लाएंगे ना एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर कंट्रोल थ्रू विजिबिलिटी। अब समटाइम जो वो ऑनरशिप इतनी आ जाती है कि वो हर चीज को अपना समझने लग पड़ता है और आपकी जो बिजनेस की चीजें हैं उनको पर्सनल यूज में लाने लग पड़ता है कि भाई ऑनरशिप है, दिस इज माय बिजनेस, तो ओके भाई ये मेरा बिजनेस है तो ठीक है इसको मैं पर्सनल यूज में भी ला सकता हूँ। नहीं, इसमें फिर आपको कंट्रोल करना पड़ता है, कुछ चेक एंड बैलेंस होता है कि आपने चीजों को कंट्रोल करना है, मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए, हाउसकीपिंग टोटल क्वालिटी के ऊपर फोकस होना चाहिए, एम्प्लॉय का फोकस हो भाई जान हमने टोटल क्वालिटी जो है वो मैनेज करनी है, हमने हर चीज हर एंगल से चीजों को देखना है, किसी किस्म के वो कहते हैं ना जीरो टॉलरेंस। फिर टेक्नोलॉजी के हवाले से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक स्ट्रक्चर्ड वे में हो, प्रॉपर एक प्रोसेस हो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, दरमियान में आपका जो है वो एक तरह से वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। स्मॉल लॉट प्रोडक्शन का एक कॉन्सेप्ट होता है जी कि आपने जितनी नीड है, जस्ट इन, आगे मैं आऊँगा इसके लीनिंग प्रोसेस को एक और अंदाज में, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम है। फिर आपकी प्रोडक्शन सेटअप में टाइम नहीं जाना ज़ाया होना चाहिए, कॉस्ट नहीं ज़्यादा इन्वॉल्व होने चाहिए। फिर जो चीज़ जिसके लिए फिट इन है, जो टेक्नोलॉजी जिसके लिए फिट इन है, उसके लिए वो यूज़ करें। ऐसा ना हो कि जी आप ने एक फोटो कापीज के लिए काम लेना है और आपने प्रिंटिंग प्रेस जो है फोटो कापियर के लिए जो है वो इंस्टॉल कर दें, तो इन इन चीज़ों का ख्याल रखना। हाँ, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो सकती है लेकिन आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। सिस्टम्स के हवाले से भी कि बैलेंस फ्लो हो आपका, इसके बाद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो, सप्लायर्स पार्टनरशिप होनी चाहिए और पुल सिस्टम होना चाहिए। इसको तो एक और अंदाज में देखें, लीन प्रोडक्शन प्रोसेस को मैंने आपके सामने शेयर किया जी कि आपने जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम लेके आना है, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपने लोगों को इन्वॉल्व कर लेना है, ऑनरशिप लेके आनी है। जब ये सारी चीज़ें आएंगी तो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो लीन आउट हो जाएगा। अब इसके बाद जो आगे आ जाती है आपका ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम जो है, ये भी एक इम्प्रूवमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्प्रूवमेंट के अंदर। भजन आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में, यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँगा, आपका अच्छा डाटा होगा, आपकी अच्छी इंफॉर्मेशन होगी तो आपका अच्छा डिसीजन होगा। मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने क्या करना है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट बेसिकली एक रोल प्लेयर होता है इन इनपुट ऑफ इंफॉर्मेशन, या इन द रोल ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग द डिसीजन। तो आप ये जो इंफॉर्मेशन या डाटा प्रोवाइड करना है, इस गुड डाटा को बल्कि मेरे ख्याल में रिप्लेस हो जाना चाहिए विद द वर्ड गुड इंफॉर्मेशन, क्योंकि डाटा और इंफॉर्मेशन का फर्क तो हमने जान लिया। तो गुड डाटा और गुड इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स इन द गुड डिसीजन, बेटर एंड बेटर, बेस्ट एंड बेस्ट, ठीक है। जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन होगी, जितनी अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन होगी, जितनी रिलायबल और रेलिवेंट, वो जो हमने इंफॉर्मेशन के क्वालिटीज पढ़ी थी ना, वो सारी की सारी यहाँ पे आप अप्लाई करनी है। आपने मैनेजमेंट को एक ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है जिससे मैनेजमेंट एक प्रॉपर और अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके, जो कि रिलायबल भी हो और रेलिवेंट भी हो आपकी इंफॉर्मेशन। फिर इसके वाले से एक टेक्निक होती है जी कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर लेती हैं जी, अपने डेटाबेस को जो है डिसेंट्रलाइज रखती हैं। अकाउंट्स फाइनेंस वाले अपने तौर पे इंफॉर्मेशन बना रहे होते हैं, आपके जो मार्केटिंग वाले हैं वो अपने तौर पे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और वो उनकी आपस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती।
आपस में इंफॉर्मेशन आपकी सिंक्ड होनी चाहिए। इसका तरीकेकार क्या है कि आपकी आइसोलेटेड डेटाबेस होने के बजाय सेंट्रल या रिलेशनल एक दूसरे के साथ को रिलेटेड डेटाबेस हो, इंफॉर्मेशन एक हो। आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो, अगर आप ये कहते हैं जी कि 50 लाख यूनिट बेचने पे इतनी कॉस्ट आती है, तो सेल्स डिपार्टमेंट भी बताए जी कि 50 लाख यूनिट सेल हो सकते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट कहे जी हमारी तो कैपेसिटी नहीं है मार्केट के अंदर 50 लाख यूनिट सेल करने की। तो जब 50 लाख यूनिट सेल करने की कैपेसिटी नहीं होगी, तो फिर इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई करना जो है वो यूजलेस हो जाएगा। क्योंकि एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहता है जी अगर आप 10 लाख यूनिट बेचेंगे तो आपकी इतनी कॉस्ट आएगी, 50 लाख यूनिट बेचेंगे तो इतनी कॉस्ट आएगी, तो लिहाजा आप 50 लाख यूनिट मैन्युफैक्चर करें और 50 लाख यूनिट पे जो है आपकी कॉस्ट कम आएगी और इसलिए जो है वो आप ज्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन आपने अपनी इंफॉर्मेशन को सिंक नहीं किया, आपकी इंफॉर्मेशन लिंक्ड नहीं है विद द सेल्स डिपार्टमेंट, और सेल्स डिपार्टमेंट जब आता है तो वो कहता है भाई हम तो टोटल कैपेसिटी हमारी जो है वो 25 लाख यूनिट है, 50 लाख तो हमारी 2 साल की सेल्स कैपेसिटी है, 1 साल में तो हम 25 लाख ही बेच सकते हैं, मार्केट में इतनी डिमांड ही नहीं है। तो आप वो किधर गई आपकी एक दी हुई इंफॉर्मेशन, जो कि एक आइसोलेटेड आपने एक इंफॉर्मेशन जो है वो नोशनल बेसिस पे बना दी, आपने एक जो है वो बुकिश किस्म की इंफॉर्मेशन दे दी कि जी ज्यादा चीजें प्रोडक्शन होंगी तो कॉस्ट कम आएगी तो इसलिए ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करें। नो, आपकी इंफॉर्मेशन शुड बी लिंक्ड विद द अदर डिपार्टमेंट। मैंने एक एग्जांपल देने की कोशिश की है ताकि आपको इसकी समझ आ जाए कि कैसे रिलेशनल डेटाबेस होनी चाहिए रादर हैविंग एन आइसोलेटेड डेटाबेस। मूव करते हैं जी रिस्क मैनेजमेंट। एक तीसरा सोर्स जो है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को लाने का जो है वो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्क को मैनेज करें। अब रिस्क जो है वो मैं डिवाइड करता होता हूँ 2 हिस्सों में, एक होता है जी इनहेरिट रिस्क और एक होता है जी इनहेरिट रिस्क मींस कि आपका वो वाला रिस्क जो कि बिल्ट इन है सिस्टम के अंदर, और एक होता है जी कंट्रोलेबल और अवॉइडेबल रिस्क। इनहेरिट रिस्क जो होता है ये अनअवॉइडेबल कहा जाता है क्योंकि ये बिल्ट इन होता है सिस्टम के अंदर। बाद चीजें ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर जो है ये प्रोसेस अगर आपने करना, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अज्यूम करते हैं जी यहाँ पर शुगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ले लेते हैं, तो आपने शुगर की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आपको रॉ मटेरियल जो है वो शुगर केन की सूरत में चाहिए, गन्ने की सूरत में चाहिए। अब गन्ना जो है उसके अंदर इट इज़ इनहेरिटेड कि अगर आप उसको धूप पे रखेंगे तो अपना वेट लॉस करेगा, उसके अंदर से जो है वो एवेपोरेट हो जाएगी, मतलब जो कुछ कॉन्टेंट्स हैं। तो अब उसका वेट लॉस जो है ये इनहेरिटेड है, लेकिन सम टाइम जो है वो आपने यहाँ पे ये देखना है कि भाई ये जो वेट लॉस हो रहा है आइदर इट इज इनहेरिटेड या इट इज सम अदर थिंग या लाइक सम अदर थिंग, ये कोई थेफ्ट हो गई है कि ये जो वेट रिड्यूस हो रहा है ये इनहेरिटेड, अगर से फॉर एग्जांपल 5% रिड्यूस होता है तो हमारा तो लॉस जो हो रहा है टोटल वेट जो है शुगर केन का ये हो रहा है अज्यूमिंग 20%, भाई ये अनएक्सेप्टेबल है। तो आपने इनहेरेंट रिस्क को कंट्रोलेबल रिस्क को और सॉरी अनकंट्रोलेबल रिस्क को कंट्रोलेबल से सेग्रीगेट करके स्टडी करना है, और आपकी जो मेजर एफर्ट्स होनी चाहिए, आपकी जो पॉलिसीज होनी चाहिए, आपकी जो कैलकुलेशंस होनी चाहिए, आपकी जो वर्किंग होनी चाहिए वो बेसिकली कंट्रोलेबल रिस्क के ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि अनअवॉइडेबल रिस्क जो है या अनकंट्रोलेबल जो रिस्क है उसके ऊपर एफर्ट्स लगाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, उसके ऊपर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा जो है उसके ऊपर जो है एफर्ट लगाने का जो है वो यूजलेस साबित होती है। तो रिस्क और भी कई एग्जांपल दी जा सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से सबसे पहले क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज व्हाट टाइप ऑफ रिस्क इज, फिर उसको एनालाइज करना है, फिर अकॉर्डिंगली उसको कंट्रोल करना है, फिर आपने देखना है कि ये रिस्क ट्रांसफर हो सकता है या नहीं हो सकता या रिड्यूस हो सकता है, और फिर अकॉर्डिंगली उसको रीअसेस करें, और फिर अकॉर्डिंगली ये पूरा एक साइकिल जो आपका चलता है रिस्क मैनेजमेंट का। तो एम्प्लॉइज की मोटिवेशन यहाँ पे फिर आ जाती है, जो लीन प्रोडक्शन में है टोटल एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट की बात आ जाती है। तो ये एक जो मैट्रिक्स है आपके सामने मैंने पेश करने की कोशिश की है, इससे आपने अल्टीमेट रिजल्ट्स क्या लेने हैं, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। आई होप के यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि वैल्यू चेन के अंदर आपने, यानी कि पूरे बिजनेस प्रोसेस के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने
अपना रोल कैसे प्ले करना है। तो इसको हम थोड़ा सा समराइज करते हैं जी, वैल्यू चेन मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंट के हवाले से, मैनेजमेंट अकाउंटेंट के हवाले से एक पूरा प्रोसेस है, बिजनेस प्रोसेस है। इस बिजनेस प्रोसेस के अंदर जो है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये डिफरेंट प्रोसेसेस आप रिसर्च के अंदर जो है देखेंगे कि कोई अननेसेसरी कॉस्ट तो नहीं आ रही, डिज़ाइन के अंदर जो है वो आपकी जो है वो अननेसेसरी कॉस्ट तो नहीं आ रही, अगर आ रही है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, कंट्रोलेबल है या नॉन कंट्रोलेबल है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आप बिल्कुल आइटमाइज बेसिस पे नीचे जाके ग्रास रूट लेवल पे जाके इन चीज़ों को देखते हैं, स्टडी करते हैं, फिर अकॉर्डिंगली अपनी रिपोर्ट्स जो है वो तैयार करते हैं। फिर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कैसे लेनी है, मैंने आपको बताया जी कि लीन प्रोडक्शन प्रोसेसेस हो सकते हैं, ये सजेस्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम होगा, इसको हम डिटेल में आगे जाके इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच, जजाकल्ला खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नेक्स्ट क्लास में हम इससे एक स्टेप आगे चलेंगे और हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो है वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेने के बाद, अगली क्लास के बाद इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे। तो फी अमान अल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।